गाइस यहाँ पे ब्लॉगर खड़े हैं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रा के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। गाइस ये रहा हमारा भाई जिसके साथ हम फिर से जा रहे हैं ब्लॉग करने के लिए। इस बार हमारे पास वो वाला ऑटो नहीं है, ये वाला इस बार हमारे पास महिंद्रा पिकअप है। भैया हम कहाँ पे जा रहे हैं ये भी बता दो। हम जा रहे हैं, ये सुरई सर पड़ता है, सिद्रा मजालता क्रॉस करके। सिद्रा मजालता जी, सिद्रा मजालता क्रॉस करके हम आगे जाएंगे। गाड़ी बहुत स्पीड चलती है इसलिए बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ। सो गाइस अभी हम सिद्रा पुल पे पहुंचने ही वाले हैं। और ये हमारा भाई, भाई कुछ कहना चाहोगे? हेलो गाइस, मेरा नाम शौकत अली है। हम पहले भी एक ब्लॉग में आए थे आपके सामने, तो आज हम जा रहे हैं सुरई सर, ये मजालता सिद्रा क्रॉस करके आगे आएगा। तो हम सो थैंक यू, आगे का प्रोग्राम देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस अभी हम सिद्रा पुल पे पहुंच गए, गाइस अभी हम सिद्रा पुल पे आ गए हैं। पहाड़ी पहाड़ी है सिर्फ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर सिटी है, वहाँ पे खेत बहुत कम होते हैं। जहाँ तक इन हमारे भाई की भी बहुत सारी ज़मीनें हैं वहाँ पर। सबसे खतरनाक मोड़, ओए शिट, कच्चा रास्ता। यहाँ पे ट्रेन की पटरी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, इसलिए इन्होंने ये नीचे कर दिया है। चलो देखते हैं ट्रेन कब तक आएगी, लेट्स वेट। उधर निकालो, उधर लगाओ, उधर पास में से बंदी है। जाने 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 बंद कर मेरी साइड, कर मेरी साइड, बंद। बड़ी जगह इधर लाइट जल जाएगी जैसी आएगी। सो गाइस ट्रेन आने वाली है, पता नहीं उधमपुर से जम्मू में जा रही है या जम्मू से उधमपुर में जा रही है, दोनों में से एक तरफ जा रही है। तो चलो, हमारे मुकद्दर में लिखा था कि हमारे ब्लॉग में एक ट्रेन का टुकड़ा भी आ जाए। सही बोला शोक भाई, चलो देखते हैं।
शोकत भाई पैसे गिनती कर रहा है कितने मिले। शोकत भाई चले फिर आज शाही दरबार। चलो भाई चलो, चिकन तंदूरी खाओगे, चिकन बिरयानी खाओगे, चिकन मटन खाओगे, क्या खाओगे? जो चिकन आप चिल्ली खाओगे बोलो, क्या जो आप खिलाओ दोगे हम खा लेंगे भाई, जो आप चाहो। अरे यार हमारे होते को टेंशन क्या बात की है। आए ये तो ट्रेन भी आने वाली है अभी कुछ ही देर में, तब तक मैं अपना इंट्रो भी कर लेता हूँ यहीं पर। 7 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। आए क्या डायलॉग मारा शुक्र भाई, नहीं नामुमकिन है। ओहो ट्रेन आ गई, इस तरफ से आ रही है। आगे के लिए इसके डंडे हो जाएंगे ऊपर, इसे बाटा कहते हैं, फिर हम निकल जाएंगे आगे के लिए। शोकत भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, काफी सारे बंदे जो हमको मिले उन्होंने हाय बोला, तो चलो हमारी मुकद्दर में लिखा था तो हमने भी हाय बोल दिया। शोकत भाई अभी तो क्यों बनाते हैं वीडियो, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वो होता कभी। शोकत भाई जो लोग आज हमें बोल रहे हैं क्यों बनाता है तो वीडियो, एक दिन वही लोग हमें कहेंगे तो वीडियो क्यों नहीं बनाता है। अगर लोग हमारा साथ दे देंगे तो बड़ा कुछ, इंसान इंसान ने सब कुछ बनाया। सही बोला शोकत भाई, और ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, इंसान ने ऊपर वाले को नहीं। सही, और इंसान का एक शौक होता है, डिपेंड होता है अपने आप पे कि मैं ये काम करूंगा, जब तक हमारे भाई बहन सब साथ नहीं देंगे तो आगे की तरक्की कैसे होगी। वैसे भी डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी है हमारी, आगे तो जाना ही है। सही बोले। सो गाइस ये जो भी मैंने ट्रेन देखी इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा, क्योंकि मैं बहुत बार ट्रेन में सफर कर चुका हूँ लेकिन कभी फाटक पे खड़े होकर ट्रेन को गुजरते हुए नहीं देखा, लेकिन बीच में बहुत बार बैठा हूँ मैं, मुंबई दिल्ली बड़ी बार गया हूँ, ऐसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि फाटक के पीछे अपनी गाड़ी रोक कर ट्रेन को जाते हुए देखना, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना। तो अभी हम यहाँ से फाटक जैसे खुलेगा हम यहाँ से आगे के लिए निकल जाएंगे, आगे जाके थोड़ी और हम वीडियोस अच्छी अच्छी जगह के क्लिप रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे कोई क्लिप ऐसी है नहीं जो रिकॉर्ड करने के लिए है, लेकिन आगे जाके ज़रूर कोई ऐसी क्लिप मिलेगी जो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे यहाँ से। सो गाइस गाड़ी यहाँ से आर पार जाना आना जाना शुरू हो चुकी है, हम भी अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं आगे के लिए। हमने गलत जगह पे गाड़ी खरीद कर दी थी, हम अपनी सही जगह पे गाड़ी लेते हैं, पहले गाड़ी जब खत्म हो जाए तो हम अपनी जगह पे सही जगह पे लेंगे। मैं हाथ बाहर के लिए निकाल देता हूँ, आगे के लिए। यार इनको बहुत चर्बी होती है आगे निकलने की, हमें भी निकलने दिया करो कभी। गाइस ये पटरी देखो कहाँ तक जा रही है, ये नीचे से आती है और यहाँ से आगे के लिए चली जाती है। गाइस ये जो कुछ लोग होते हैं जो फाटक बंद रहता है और गाड़ी लेके निकलने की कोशिश कर जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत किया करो, जब फाटक बंद होने वाला होता है तो पहले ही रुक जाया करो, क्योंकि अनहोनी का पता नहीं होता कब हो जाए। का व्यू बहुत तगड़ा है, यहाँ पे ठंड बहुत लग रही है। नीचे हमारी सिटी साइड में इतनी ठंड नहीं है, वहां गर्मी शुरू होगी, लेकिन इस जगह पे भी ठंड है। आगे नाका लगा हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, हमें लग रहा है नाका लगा हुआ है।
से निकल गए, अब हम चढ़ गए मेन रोड के ऊपर। किस चीज की मस्जिद है यहाँ पर? ये कोई बाबा होता था यहाँ पे? कौन सा बाबा होता था? बाबा शहनशाह बादशाह। शहनशाह बादशाह। बीच में पेड़ होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी साइड में रोकते हैं, तो जूस शूस पीते हैं। शुक्र है लगाओ साइड में। फिर चलोगे अपनी आओगे ना? मैं कर आओ, आओ ना आओ। नहीं नहीं पता क्या लेट होगा, आगे का काम। शोकर भाई नहीं आएगा, ये गाड़ी एक नंबर गाड़ी है, महिंद्रा पिकअप। मैं जाता हूँ कुछ जूस शूस बना के लाते हैं। हाईवे ध्यान से क्रॉस करना पड़ता, नहीं तो कस्सा हो जाता है इसमें। यहाँ का सीन तो बहुत तगड़ा आ रहा है। यहाँ से खाएगी नहीं नीचे, अगर यहाँ से कोई नीचे गया तो समझो उसका काम हो गया। ले लेते हैं यहाँ से। हाँ भाई उधर गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, वो देखो वहां से इशारे कर रहा है कुछ। महिंद्रा पिकअप गाड़ी है, उन्होंने अभी नई दिन ली है। इनके पास पहले इनकी अपनी गाड़ी होती थी, वो घर पे छोड़ दी है क्योंकि वो चलती बहुत कम है, शोर बहुत ज़्यादा करती है। इन्होंने नई गाड़ी ली है महिंद्रा पिकअप। जूस पीते हैं भाई, अपना जूस बना रहा तगड़े तरीके से। भाई ने देखो अपना पेटीएम का क्यूआर भी लगा रखा हुआ है इधर, जिसके बाद पैसे नहीं है वो क्यूआर से
एटीएम भी कर सकता है। बना दिए। आओ भाई इधर। शोक भाई एक शेर ने पकड़न थी सारे शहर के गिद्दड़ कट्ठे हो गए। मानस शरीफ जै शरीफी छोड़ दे ठाडे बदमाशा के रिकॉर्ड तोड़ दे। बहुत गर्म रहते हो गाइस। जिस दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको भी इससे बड़ा yes. मिलेगा। ये देखो इस खाई में अगर कोई गिर जाए शोक तो इसका क्या हड्डी पसली का कीमा बन जाए। हड्डी पसली का पर मुझे अभी अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वानी है। 2 साल पूरे जीने ब्लॉगर बनना है पहले। टेस्ट बहुत तगड़ा है। ट्रेन की पटरी जा रही है ना नीचे से टंडरे के अंदर से होगी जाती है। मेरा तो हो गया शो तो वीरा। शुगर अभी तो कहीं इन्होंने जल्दी ठीक है खत्म किया इनका भी हो गया। चलते आगे के लिए मैंने पैसे दे दिए। पहले से तो भाई कहाँ जा रहे खोपचे में। ये आ गया हल्का होने के लिए गया था नीचे। चलें फिर भाई मज़ा आ गया तुम्हारे जूस का। वेलकम। नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे। चलते हैं फिर। भाई ने जूस इतना तगड़ा बनाया था कि मज़ा ही आ गया। ये इन्होंने न्यू पिकअप ली है। ये भी अभी इसके ऊपर ड्राइवर को चढ़ा देंगे खुद नहीं चलाएंगे क्योंकि इनके पास अपनी एक और गाड़ी है ये उसको हैंडल करते हैं। और ये गाड़ी जो इन्होंने नहीं ली है इसके ऊपर ड्राइवर को चढ़ाएंगे। आए आए पहन लो। ये काम की नहीं है इनके काम की होगी मेरे काम की कोई नहीं है। इस गाड़ी में बहुत से फीचर है लेकिन इन्होंने अभी गाड़ी को सेटअप नहीं कराया अच्छे तरीके से। यहाँ पर सिस्टम लगा रहता है यहाँ पर स्पीकर लगे रहते हैं पीछे। इन्होंने अभी कुछ भी नहीं लगाया खाली गाड़ी लाई हुई है। एसी भी फिट नहीं किया इसका यहाँ पर सिस्टम का कोई कुछ नहीं। यहाँ पर ये निकाल के इसके अंदर बॉक्स लगता है ये किसी काम का है नहीं है पता नहीं लेकिन इन्होंने ये जरूर लगा लिया इसके ऊपर छोटा हैंडल। वही छोटा हैंडल है इसके अंदर लगा हुआ। मार्क्स मार्क्स मेरे तो मेरे गले में आपने कहा रखा। भाई आपको ही पता होगा भाई। चलो फिर शोकत भाई करो स्टार्ट। सीट बेल्ट पहन।
सीट बेल्ट लगा ली, गाड़ी में बैठ के तो मजा ही आ जाता है। भाई टाइम हो गया एक मिनट, 3:03 हो चुके हैं। वो बताओ क्या हो गया, चुचुकू निकल रहा है आपके मुंह से। भाई ड्राइवर बड़ा तगड़ा है यार, जो भी बोलो ड्राइवर एक नंबर ड्राइवर है। मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने के लिए फिर से, क्योंकि मेरे साइडों से फिर से बड़े हो गए हैं। कुछ टाइम पहले मैंने हेयर कटिंग करवाई, लेकिन आज फिर से जाना पड़ेगा, साइड से कटाना पड़ेगा। मेरे स्कूल भी खुल चुके हैं दोबारा, स्कूल जब बंद हुए थे वापस ओपन हो गए हैं, मैं स्कूल जाना शुरू कर चुका हूँ। आज संडे था, आज मुझे बाल भी कटवाने थे, कल टेस्ट भी है, पढ़ना भी है, फिर भी मैं शॉर्ट लाइन से घूम रहा हूँ। पढ़ने से अपना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारे एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं, अगले महीने की लास्ट में हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा। मैं भी टेंथ में, अपने भाई को एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है, बंदे की शादी होगी, दो बच्चे हैं इसके, उनको खाली अब मौज मारनी है शुरू भाई। लेकिन ये भी अब मौज ही मारनी है, जब शादी करेगा ना तब बताऊंगा मौज मस्ती कितनी होती है। अरे शोकत भाई मौज मस्ती हमने बहुत की हुई है, बहुत। वापिस से फोर लाइन शुरू होगी, फोर लाइन में गाड़ी को दौड़ाने का मजा ही कुछ अलग है। आगे क्या हो गया, इतनी देर लगा रखी, आगे बंदे खड़े हैं जरूर उल्टा काम होगा आगे। गाइस यहाँ पे ब्लॉगर खड़े हैं, ये रहे ब्लॉगर खड़े हुए हैं, देखी बाइक राइडर, ये राइडर है साले, ये बीक राइडर। तो गाइस हमें अभी राइडर मिल गए, इतने सारे राइडर खड़े थे अपनी गाड़ी में, हमको उल्टा लेट हो रहा है, हमको और एक जगह पे जाना है, कटरा साइड जाना है, इसलिए जल्दी। बहुत जल्द मेरी बाइक आ जाएगी, उसके बाद ट्रैवलिंग ब्लॉग बंद, उसके बाद सिर्फ राइडिंग ब्लॉग। कभी कभी हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग आएंगे, उसके बाद नहीं तो हमारे सारे वीडियो आएंगे। इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर बनना है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा शौकत भाई हमारे साथ है, और दोस्त को हमारे सपोर्ट हमारे साथ है। सो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं हम यहाँ पे एंड। अगर हम मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा कमेंट करके जरूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और भाई कुछ कहना चाहोगे पब्लिक को? हेलो गाइस, अब ये वीडियो जो है एंड पे होने वाली है, अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना। तो बाकी जहाँ जहाँ हम जाते रहेंगे आपको नया नया ब्लॉग की वीडियो बताते रहेंगे। सो थैंक यू, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नीचे बाय।